ओए ओरे लड़के ओ वेट नहीं 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 बाय 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 क्या चलेगा हमने सुबह 8 बजे कहीं जाना है कहीं का मतलब सुबह 8 बजे किधर अरे अरे आगे पूछता हूँ क्या हुआ अंदर आ जाओ अंदर आ जाओ बहू है बहू बाहर बहू अंदर आ जाओ अंदर अभी इसको ऊपर लिटाती हूँ मैं थोड़ा 5 मिनट बाद जाना अस्सलाम वालेकुम सभी वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग मैं जा रहा था रात को क्रिकेट खेलने आपको मैंने कल के वहां बताया था कि आज हमारा क्रिकेट मैच है और 4 दिन पहले भी हमारा क्रिकेट मैच हुआ था और हम दोनों मैच जीत गए थे सामने वाली टीम ने बोला कि यार आ जाना भाई मैं आज हमारा मैच है तो देखते हैं भाई क्या होता है आज के मैच पर लेट्स गो ओए ओए वो क्रिकेटर पहले से बैठे हुए चलो भाई आज कितने छक्के मारने 6 पे 36 6 पे 40 मारूंगा 6 पे 40 वो भी हो जाएगी ना पीछे का जो व्हाइट चौका चले जाता So guys, field जो है वो लग चुकी है और हमारे बैट्समैन भी जो है वो रेडी है हम लोग जब टॉस जीते तो हमारी है फर्स्ट बैटिंग ओपनर हमारे जो है वो एडविड बॉय जा रहे हैं जरा इनकी बैटिंग दिखाते हैं आपको ये कैसा खेलते हैं अच्छा खेलना है अच्छा खेलना है नॉर्मल तो खेलते हो So guys, पहले मैच की पहली बॉल ओ नाइस यार कैच बच गया भाई तो भाई भैया के साथ हमने एक अच्छा बैट्समैन भी लगाया देखते हैं कि छक्के मारता है नहीं मारता ओए लंबा सिक्सर ओए नाइस शॉट गाइस 4 बॉलों पे 13 रन आ गए अरे लड़के ओए वापसी आ गई पेड़ एक और हो जा भाई ओए आवाज जाए 1 ओवर पे 13 रन और 1 आउट सेकंड ओवर भैया की बैटिंग ओए भागो 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 चल 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 अरे ये आ गए ओए बहुत आला भाई 2 ओवर में 16 तीसरा ओवर ओए ओए ओरे लड़के सिक्सर यार बहुत आला नोप नोप अरे गाइस 1 हो गया ये ओए ओए गुड बॉल यार गुड बॉल कितने हो गए भाई 23 23 ओवर ओए ओए तो गाइस इस ओवर में जो है ना 1 ही रन आया और 2 बंदे आउट हो गए अब भैया और मैं बैटिंग कर रहे हैं तो यस भैया उधर है और मैं जो हूँ वो इधर हूँ शॉट करना भूल गया भैया आउट हो गया विकेट हो गया विकेट गिर गई है दूसरी बॉल जाते हुए और ये बॉडी है पीछे आराम से भाग मत ओ लगा दिया बड़ी बॉल ने बच गया भाग रन हो गया रनिंग अबे पीछे जा आउट हो गया यार आगे बढ़ गया आगे क्यों बढ़ा यार मैं आगे बढ़ा बॉल रोक ली यार बड़ी बाय डन सो गाइस मैच हुआ फिनिश और क्या ही बताओ यार आज मेरा इतना बैड लक चला ना मैं दोनों मैचेस में बोल्ड आउट हुआ हूँ भैया ने क्या कमाल का खेला यार आज पहले मैच में दूसरे मैच में पहला मैच तो हम लोग 1 रन से हार गए जो कि मेरी वजह से मैंने कीपरिंग में थोड़ी मिसिंग की जो सच होता है यार वही बताता हूँ क्यों मैं झूठ बोल दूँ क्योंकि सामने वाले भी अगर व्लॉग देख रहे होंगे बोलेंगे हाँ यार ये तो झूठ बोल रहे हैं मैच जो है हम जीते वो भैया कैसे जीते बहुत बहुत कमाल का मैच पहुंच गए जी घर उठ गए सारे नहीं उठ गए अरे उठे हुए सारे भाई माशाल्लाह भाई पढ़ ली कुरान शरीफ भाई कितने दिन में खत्म हो रहा था कुरान शरीफ यार कितने दिन में खत्म हो रहा कुरान शरीफ एक दिन में सिपारा पूरा गुड भाई गुड गर्ल क्या बन रहा है आज भाई बड़ी भूख लगी है मॉम खेल कर आए हैं थक गए हैं काफी हारे या जीते हैं मॉम एक हारे एक जीते फाइनल नहीं हो पाया टाइम नहीं बचा था ना और शहरी में कबाब है भाई शामी कबाब दाल भी है ये कौन सी दाल है मिक्स दाल गाइस आज शहरी में पराठा कबाब और मिक्स दाल बाहर से जब भी खेल कूद कराओ तो सबसे पहले हाथ बंदी तुम्हारे साबुन स्लो है क्या हाथ धोते साथ बनाते हैं भाई लस्सी भी तैयार और अब बैठ गए भाई खाने में तो करते हैं फटाफट से शहरी गाइस हम लोग जो है ना वो चाय पीते हैं शहरी के टाइम ना ठीक है तो आप देख रहे हो ये छोटे छोटे कप है अब इसकी साइंस क्या है पाव बताएंगे इसकी साइंस अब आप पहले इस कप में भेजे थे बड़े वाले अब छोटा कर दिया भाई ये कब एक कप वाला पी लिया ना हाँ ये वाला 60 सिगरेट पीने की जो निकोटीन की मात्रा है वो एक कप में है अच्छा जी और ये आपको कब पता लगा तो आपने छोटा कप कर लिया है जब नाश्ता करेंगे ना पराठे के साथ सुबह तो फिर ये इसमें आ जाएंगे वापस नहीं चाय पीऊंगा नहीं भाई अच्छा पियेंगे नहीं ना पीऊंगा नहीं उसमें कर लूंगा मगर वो पराठे के साथ तो खाना पापा सुबह 60 सिगरेट पी कर चलो भाई उठ जा बाबा का मुन्ना
चले। सो गाइज मॉर्निंग, सहरी के बाद मैं यहाँ पर लेटा था और बासिल मजे से सो रहा था। मुझे आज जाना है अपने छोटे बेबी का पासपोर्ट नहीं NIC बनवाने। इतने छोटे बच्चों का भी NIC बनता है गाइस, और ये हमें अभी पता लगा था, और अर्जेंट बेस पे हम जा रहे हैं इसका NIC बनवाने। तो अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और हमें पहुंचना वहां पर 9 बजे से पहले पहले। मुझे तो काफी नींद आ रही थी बट मैं सोया नहीं, तो फटाफट से कपड़े करते हैं चेंज और चलते हैं डायरेक्ट। चलो 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 लेट्स गो भाई, चलो भाई चलो चलो आ जाओ। इतना रो क्यों रहे हो भाई? गाइस को उठाया और ये तो भाई रोने धोने डाल दिया इसने, सारे घर को उठा दिया। मम्मा भी उठ गई, हुसैन भी उठ गया, सब उड़ गए। घूमी घूमी करने जा रहा है पापा का गुड्डा तो। हंस रहा है इसको पता लग गया बाहर जा रहा है। हंसू हंसू रहता है जैसे कि इसको हमने बहुत पिटाई लगाई है। खुल जा सिम सिम। पहुंच गए नादरा, अभी फिलहाल बंद है भाई, सारे बाहर बैठे हुए। जैसे ही खुलता है ना फिर वैसे जाता हूँ अंदर, नंबर लेकर आता हूँ, फिर तुम लोग आ जाना। हाँ जल्दी जल्दी, बहुत टाइम लग जाएगा मुझे लग रहा है। जब तक इसको तुम कार्टून दिखाओ ना। अफ्तारी क्यों भाई, अफ्तारी नहीं होती यहाँ पर, बहुत टाइम लग जाता। अच्छा NIC बनाने की वजह ये है गाइस, अब जो है ना बासिल फिर हमारे साथ बाहर भी ट्रेवल करेगा, और बाहर ट्रेवल के लिए बच्चों का भी NIC रिक्वायर्ड हो चुका है। सऊदी हम गए थे तो उधर रिक्वायर्ड नहीं था, तो हमें पता ही नहीं था कि बच्चों का NIC बनाना, लेकिन अब जब कहीं जा रहे हैं तो उसके लिए रिक्वायर्ड हो रहा है। यहाँ पर आते जाते बज गए 9, नंबर आ रहा करो। तो गाइस हमारा नंबर 107 है। प्लस यार ये पहला नादर देख रहा हूँ जिसमें रश बिल्कुल कम है। 1003 2। वेट, नहीं 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 गाइस, एक रोजा टाइम भी आप लोग देख सकते हैं। सो गाइस फाइनली माज आ गए और बासिल का बंद हो गया है। क्या हुआ भाई? आए फाइनली भाई, काम डन। चले भाई, बहुत तंग किया इसने, इतना तंग किया है ना। हमें ये बनवाना पड़ा है अगेन, मैं सो गया था ना हमसे याद। हाँ तो ओरिजिनल उन्होंने रख दिया ये। इतना मुश्किल हो गया था ना अभी अंदर, वो बोल रहे थे कि आपके पास बेफॉर्म नहीं, जाके बेफॉर्म लेकर आओ, हमें घर जाना पड़ता फिर लगाना पड़ता, और फिर पता नहीं कौन सा नंबर होता हमारा। तो बताए तो हमारा जल्दी NIC बन जाता, फिर हमने दोबारा टोकन लिया। यस तो गाइस हम आए थे यहाँ पर 9 बजे और अभी हो गए 10:30। तो पहुंच गए घर। चलो 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 डायरेक्ट सोना, ठीक है? पापा भी सोएंगे, मम्मा भी सोएंगे और भासिल भी सोएगा। फिर गाइस आपको मिलते हैं शाम में उठ के भाई, क्योंकि पूरी रात पूरी सुबह से नहीं सोया, 11:30 बजे सोने लगा हूँ, तो देखता हूँ कब उठता हूँ यार। 5 hours later भाई साहब, भाई इफ्तारी जो है वो लगना शुरू हो रही है। मैं लेट तो नहीं उठा ना, जल्दी उठाऊँ? बिल्कुल परफेक्ट उठाओ यार, सही टाइम पे उठाऊँ? बिल्कुल परफेक्ट। थैंक यू यार ऐसे उठना रोज। थैंक यू यार, टाइम दिखा जरा फटाफट से, ऐसे उठना बोल रही। मतलब जल्दी उठना, बस सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। अब सॉरी यार, क्योंकि तुझे अब तुझे पता नहीं कि मैं कहाँ गया था। अब मैं NIC बनाने गया था बासिल का सुबह ही सुबह। गाइस वैसे क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? मम्मी हमने तुम्हें गुस्सा नहीं किया यार इस बार के तुम लेट उठे हो। आज तुम सो जाओ बस खाली, है ना? चलो अब मैच मम्मी को बताता कि मैं जो हूँ ना वो गया हुआ था। थैंक यू भाई, थैंक यू। क्या बन रहा है भाई इफ्तारी में? कुछ नया वाया बना लो, पकौड़े समोसे वही वही बनते हैं ना, क्या करें, खाना के थक गया मम्मा में चीज यार, क्या करें, ये पकोड़े लाजमी होते हैं, नहीं बनेंगे तो अजीब से लगता है। सो गाइस बन चुकी है भाई मेरी ट्रे, ओ सॉरी अब बन रही है, बस यही है आज का थोड़ा सा बनाया गया, भैया नहीं है तो। गाइस मुझे ये पता लगा है कि भैया भाभी और हुसैन जो है ना वो गए भाई कहीं और रोजा खोल ले, फिर इस वजह से कम अफ्तारी बनी है, टमाटर भैया के लिए ज्यादा अफ्तारी बनती है। पापा बाजी और होंगे भाभी, हम लोग दुनिया होंगे ना, कल सारे शॉपिंग पे जाएंगे ना। अब जाने हम अकेले करेंगे हमारे बगैर नहीं, पापा लोग भी चलेंगे शॉपिंग पे। पापा जाते तो है, पापा नहीं जा रहे, जाते हैं आज दफा नहीं जा रहा। इस दफा क्यों? मम्मा को ले जाओ, मम्मा तो जाती है वैसे भी, आप मम्मा के साथ नहीं जाएंगे गाइस? पापा कहीं पर भी नहीं जाते गाइस, मम्मा से बायकॉट किया, मम्मा कह रही है पापा ने बायकॉट करो भाई क्या हुआ, क्या हुआ भाई, बाहर नहीं निकलो यार, बैठो 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 बैठो। अरे भाई साहब ये क्या देख लिया मैंने, जलेबी, जलेबी को लेकर जलेबी इफ्तार में खाते हैं? खाते हैं लो तुम, अच्छा खाते तो नहीं है, खा सकते हैं, मना थोड़ी खाना, खा सकते हैं। गाइस पापा की चाट देखे आप, ये चाट फलू बनाई तुम्हारी बेगम ने, चाट फलू समझ बनाया है, फालू चाट को जो है इसमें मतलब हल्का सा जो है मोरस डाल दो, उसने फालूदा बना दिया इसका। दान दो भैया, दान के बाद की दुआ, ब्लॉग तो बना लो भाई, ब्लॉग तो बना लो, इनको भी खिला, इनको भी खिला दिया। अब
इफ्तारी करवा रहा है। चलो भी पहली बार आपकी इफ्तारी किसी ने कराई। अरे भाई दो महाराजा भी आ गए हैं, वाह। तो अभी तक सो रहे हो? अबे उठ चुका हूँ भाई, इफ्तारी भाई सब कर लिए भाई, क्या हो गया? क्या लेकर आए उसके लिए? अरे वाह भाई वाह, बलून आए हैं। ये क्या शेप बनाई है? तो गाइस एक सब्सक्राइबर ने जो ना इतना बड़ा सा हमें गिफ्ट भेज दिया है भाई, इसमें जो है ना निम को शिम को और ये सारी चीजें हैं। मैंने अपने चैनल भी दिखाया भाई, उसामा कुरैशी, थैंक यू सो मच यार। हमने तो अनबॉक्स कर लिया है भाई, पूरा अफतारी का सामान आ गया है। तो भाई घर में सन्नाटा हो गया दोबारा से, ये लोग जो है ना फौरन से कहीं ना कहीं जा रहे हैं भाई। रमजान का बिल्कुल आखिरी अशरा है, तो कोई शॉपिंग पे जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई घूम रहा फिर रहा है। तो इफ्तार के बाद जो है ना सब निकल जाते हैं कहीं ना कहीं। मैं घर में समझ जाऊँ कि बासिल और सबा जो है ना वो आराम कर रहे हैं, आराम। हमें जो है ना वो कल जाना है भाई शॉपिंग पे, कल जो है ना वो लगने वाली आपके भाई की पिद्दी, क्योंकि हमारे साथ शॉपिंग पे जाएगा बासिल। तो जब बासिल कहीं जाए हमारे साथ, तो समझ जाओ कि पिद्दी प्रो मैक्स होगी। तो ख्वारी तो होती है आपके भाई, आपका भाई जो एक दिन में व्लॉग बनाता समझो वो दो दिन का हो जाता है, क्योंकि थक इतना जाता हूँ। पहले नहीं थकता था इतना, अब बाकी के साथ ज्यादा थक जाता हूँ। अभी सुबह जो गए थे ना उसने बहुत थकाया था भाई, बहुत ज्यादा थकाया। तू कहीं शॉपिंग में नहीं जा रही क्या? शॉपिंग पे हम जाएंगे कल। दूसरा ये कि तेरा एनआईसी बना दे क्या? बासिल को तो बना दिया, बासिल का तुझसे पहले एनआईसी बन रहा है यार। कितनी सोचने वाली बात है यार, शेमफुल बात है। कुछ नहीं होता, मेरा ही बन जाएगा। मुझे तो अभी पता लगा था कि बच्चों का ही बनता है, मतलब तेरा ही बना देता, मुझे पहले पता होता। तेरा बनवाना नहीं बनवाना बता जल्दी। नहीं तो जरूरत तो नहीं है अभी फिलहाल। थैंक यू भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यार। गाइस फरिया मेरे सही बनाया नहीं बनाया चेक तो रख भी गया। तो गाइस फरिया जो है ना कभी कभी टैंक बना लेती, तो मैं से टैंक पी रहा हूँ। सही बनाया है, गुड यार। पहली बार बनाया क्या? थैंक यू भाई थैंक यू। कुछ भी पियो तो बैठ के पियो यार। छोटी सी बात करते हैं आपसे यार, मतलब जो भी बड़े लोग देख रहे हैं, तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि यार कितना मुश्किल होता है ना जब आप दो तीन चीजें एक साथ कर रहे हो, जिसमें आप व्लॉगिंग कर रहे हो, जिसमें आप अपना बिजनेस कर रहे हो। एक दिल की बात है वो कह रहा हूँ, इस एज में इतनी ज्यादा एफर्ट करना और फिर उस चीजों को अलाइन करके चलना, वो कितना मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक बात है, जो जो ये सब कर रहा है ना उसको आगे जाके जो है ना वो काफी ज्यादा कामयाबी मिलती है। तो ये है कि अगर हम इस एज में मेहनत करें ना तो आगे हमें फल बहुत अच्छा मिलता है। 20s की एज में जो मेहनत कर रहा है, एफर्ट कर रहा है, अपने आप को सेक्रीफाइस कर रहा है, क्योंकि आप आसपास माहौल में देखते हो कि यार जो आपकी एज के लोग हैं वो खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, मजे कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बट आप जो हो वो काम कर रहे हो, फिर जो है ना तुम्हें आगे जाके उसका सिला जरूर मिलता है। बड़ा दिल होता है कि यार मैं बैठ के ना अपने सब्सक्राइबर के साथ ना दो दो तीन तीन घंटे तक बातें करूँ, मतलब कि लाइव सेशंस करूँ उस तरह, जिसमें सिर्फ बैठा हूँ और बस अपने थॉट्स शेयर कर रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो इस व्लॉग को यार जब से एंड करता हूँ, उम्मीद है तुम्हें व्लॉग पसंद आएगा। व्लॉग को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब मस्त कर दो, छोटा सा ही व्लॉग है। और जितने अभी तक व्लॉग्स आए हैं, डेली जो आ रहे हैं व्लॉग, तुमने एंजॉय किया होगा। तो इंशाल्लाह भाई इसी तरह मोटिवेट करते रहो भाई को अच्छे अच्छे कमेंट के साथ, लाइक के साथ, ताकि हम पूरे साल जो है ना वो एक्टिव रहें। अक्सर प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि बिजनेस चल रहा होता है ना, तो बिजनेस पे ध्यान आपका चले जाता है ना, तो आपका फोकस फिर व्लॉगिंग से आउट हो जाता है। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, ख्याल रखो, खुश रहो। मजा आएगा तुमको छोटी सी बात सुनकर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।